हेलो एवरीवन, दिस इज़ कृतिका एंड वेलकम टू रूल्स ऑफ कॉमर्स। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था चैप्टर 2 ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चैप्टर 3, अ न्यू चैप्टर, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1 में हमें पढ़ना है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। आपको भी पता होगा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कि जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। एक ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। आपने अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप वो कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। तो हमारा आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन होता है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। कैपिटल को ही हम लोग बोलते हैं ओनर्स इक्विटी और लाइबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं आउटसाइडर्स इक्विटी। कैपिटल को हम लोग बोलते हैं ओनर्स इक्विटी और लाइबिलिटीज को हम लोग बोलते हैं आउटसाइडर्स इक्विटी। जैसा कि आप सबको पता है एक अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, एक ट्रांजैक्शन है उसका दो साइड का इफेक्ट होगा। तो उसी तरीके से हम लोग पहले सब जान लेते हैं कि क्रेडिट परचेज करेंगे तो क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने अगर क्रेडिट परचेज कर लिया है तो क्या होगा, स्टॉक भी बढ़ेगा और क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि हमने परचेज किया है मतलब सामान लेके आए हैं, तो स्टॉक तो बढ़ेगा ही, साथ साथ क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स को जो अमाउंट देना है वो भी ड्यू हो जाएगा, उसको भी देना पड़ेगा तो वो भी इंक्रीज करेगा। फिर हमने लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने लोन ले लिया तो क्या होगा, हमारा कैश बढ़ेगा, पैसा लेके आए ना, बैंक से लोन मिलेगा हमें तो पैसा ही मिलेगा अल्टीमेटली, तो क्या होगा, हमारा कैश बढ़ जाएगा और लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। लोन हमेशा क्या होता है, लाइबिलिटी ही होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो हमें क्या करना होगा, पेमेंट किया मैंने क्रेडिटर्स को तो हमारा क्रेडिटर्स घट जाएंगे, पहले जितना अमाउंट था उससे अभी घटेंगे क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कैश भी घटेगा क्योंकि हमने पैसा दिया। फिर आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। हमने एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है, हमने उस बिजनेस में कैपिटल लगा दिया तो क्या होगा, कैश बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगा, पैसा लगाया हमने ना तो कैश बढ़ेगा साथ साथ कैपिटल भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रॉइंग्स बाय द प्रोपराइटर, तब क्या होगा, कैश घटेगा और लाइबिलिटी भी घट जाएगी। कैश तो घटेगा ना, ड्रॉइंग्स क्या होता है आपने पढ़ा होगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने पढ़ाया था। ड्रॉइंग्स क्या होता है, जब एक ओनर अपने बिजनेस से कुछ पैसे अपने लिए निकाल लेता है तो हम लोग उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। उस केस में क्या होगा, कैश भी घटेगा और साथ साथ हमारा लाइबिलिटी भी घट जाएगी। फिर आता है हमारा कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रोसेस क्या है, क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रोसेस, फाइंडिंग आउट एसेट्स कैपिटल एंड लाइबिलिटीज इन अ ट्रांजैक्शन। मैंने आपको बताया इक्वेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, हमें यही करना है। एसेट में कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये एक इक्वेशन फॉर्म में हमें करना है। तो फाइंडिंग आउट द एसेट्स कैपिटल एंड लाइबिलिटीज इन अ ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन में हमें पहले ये तो समझना होगा ना कि एसेट्स क्या है, कैपिटल क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। अगर हमें ये पता चल गया तो नेक्स्ट आएगा डिसाइडिंग द इफेक्ट्स ऑन दीज थ्री, इन तीनों का क्या इफेक्ट होगा, वो बढ़ेगा कि घटेगा। मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा। नेक्स्ट आएगा रिकॉर्डिंग द इफेक्ट ऑन द रेलेवेंट साइड ऑफ द इक्वेशन। अब मुझे पता चल गया कि एसेट बढ़ रहा है तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे ही लिखूंगी, कैपिटल में तो नहीं लिख दूंगी। लाइबिलिटीज बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखूंगी, मतलब रेलेवेंट साइड इक्वेशन के लिखूंगी। तो ये होता है हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट आता है हमारा कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन बोलते हैं, क्यों? बैलेंस शीट में क्या होता है, लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों का टोटल इक्वल होता है। सेम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी क्या होता है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, यहाँ भी दोनों साइड इक्वल होता है। बस डिफरेंस इतना है कि बैलेंस शीट जो है वो एक हमारा स्टेटमेंट फॉर्म में होता है और अकाउंटिंग ये जो है इक्वेशन के फॉर्म में है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी
बोलते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि लाइबिलिटीज और एसेट्स का टोटल बैलेंस शीट में इक्वल होता है और यहाँ पे भी एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है। अब आता है हमारा कि अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल्स क्या है। तो पहला रूल्स है हमारा, एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू इफेक्ट्स। मैंने आपको बताया है हर ट्रांजैक्शन का क्या होना है, दो इफेक्ट्स होना है, जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट भी होना है। नेक्स्ट आता है इनकम विल बी एडेड टू कैपिटल। कैपिटल में हम क्या करेंगे, इनकम को ऐड करेंगे, जबकि एक्सपेंसेस विल बी डिडक्टेड टू कैपिटल। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कैपिटल में हम माइनस करेंगे और इक्वेशन शैल बी मैच्ड। अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। दोनों तरफ का टोटल जो है वो क्या आना चाहिए, मैच होना चाहिए, दोनों इक्वल आना चाहिए। तो ये था हमारा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी मैंने आपको बताया कुछ ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट। इस तरह से और भी बहुत सारे आपको टर्म्स हैं, उनका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आएगा वो मैं बता देती हूँ और फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है, इनकर्ड बट हैव नॉट बीन पेड। ऐसे एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो गए हैं लेकिन अभी पे नहीं किया गया है, तो उसमें क्या होगा, हमारा कैपिटल डिक्रीज करेगा बट हमारा लाइबिलिटीज़ में हम एक नया कॉलम बनाएंगे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और वहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जो अमाउंट होगा वो मेंशन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस उसमें भी क्या होगा, हमारा कैश घट जाएगा और एसेट साइड पे हम प्रीपेड एक्सपेंस का एक कॉलम बनाएंगे और वहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। फिर आएगा अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होता है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। वहाँ पे क्या करेंगे, हम कैपिटल बढ़ेगा हमारा और एसेट्स के साइड पे हम अक्रूड इनकम का एक कॉलम बना के वहाँ पे मेंशन करेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन का हमेशा क्या होता है, दो इफेक्ट होता है। फिर आता है हमारा अनअर्नड इनकम। अनअर्नड इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। तो हमारा क्या होगा, कैश बढ़ेगा और लाइबिलिटी साइड पे हम एक कॉलम बनाएंगे अनअर्नड इनकम का। तो ये सारे थे हमारे ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट्स। अब आपको पता चल गया कौन सा ट्रांजैक्शन होगा और कैसे कैसे उसका कहाँ कहाँ उसको लिखेंगे, एसेट्स में लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे या लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे, क्योंकि रूल्स भी तो हमें यही बताता है कि पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हमें एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल कहाँ पे उसे मेंशन करना है। तो फिर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स हम करेंगे कल से। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।